महाभारत होने के कई कारण रहे हैं और उनमें से एक बहुत मेजर रीजन, एक बहुत बड़ा कारण रहा है शकुनी। शकुनी दुर्योधन का कान भरता था, शकुनी दुर्योधन को बरगलाता था। शकुनी ही वो था जिसके पासों में जो वो मांगता था वो आता था, और जिसके कारण पांडव वो बिसात हारे थे, जिसके कारण बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। पर ये शकुनी ये सब ऐसा करता क्यों था, ये शकुनी ये सब क्यों कर रहा था, उसकी मंशा क्या थी, उसका हिडन एजेंडा क्या था, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको और मुझे कम पता है, उनमें से ये एक प्रकरण है। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए सही वधु ढूंढ रहे थे, वाइफ ढूंढ रहे थे, और तब उनको पता चला गांधार नरेश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि उस समय जो गांधार जो राज्य था उसी से निकला है कंधार, कंधार जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गांधार नरेश जो थे वो कईयों के मान्यता के हिसाब से आज के अफगानिस्तान के राजा होते थे, जिनको कहा जाता था गंधर्व नरेश। तो भीष्म पितामह पहुंचे गंधर्व नरेश के पास और उनसे कहा कि आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ कुरुवंश के राजा के लिए, जिनका नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधार नरेश बहुत ज्यादा चाहते नहीं थे, लेकिन ये राज्य बहुत छोटा था, इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गांधार नरेश चुप रह गए, गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो गई। मगर शादी के बाद भीष्म पितामह को एक ऐसी बात पता चली जो सुनने के बाद, जो पता करने के बाद उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। वो बात ये थी कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, और धृतराष्ट्र से शादी करने के पहले गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और बकरे की बलि दी गई थी। ऐसा हिंदू समाज और हिंदू धर्म में माना जाता है, जिनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी होता है उनके पति या उल्टा होगा तो पत्नी का देहांत हो सकता है, उसको टालने के लिए कभी पेड़ से, कभी नारियल से, कभी बकरे से पहली शादी करा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है, ताकि वो जो विपदा है वो टल जाए। तो इन्होंने यही किया। लेकिन जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, उनसे ये इतनी बड़ी बात छिपाई गई। गुस्से में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा, एक आमंत्रण भेजा, एक इनविटेशन भेजा, और उसमें उन्होंने कहा कि आपके कुंबे के जितने लोग हैं, आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी जितने लोग हैं, उन सबको लेके आप लोग हस्तिनापुर आइए हमारे पास, हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। मना नहीं कर सकते थे, लड़के वालों की तरफ से ऊपर से भीष्म पितामह ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा, सारे के सारे यहाँ आ गए। इन सबको गुस्से में भीष्म पितामह ने जेल में डाल दिया, एक सेल के अंदर इन सबको रख दिया गया। उस समय की प्रथा यह होती थी कि जिसने आपको आमंत्रित किया है वो आपको जो भोजन परोसेगा और जिस क्वांटिटी में परोसेगा आपको उसी में खाना है, आप चूज नहीं कर सकते। उस दिन से सबको एक ही जेल में भर के भीष्म पितामह उन सब के बीच में एक मुट्ठी चावल देना शुरू किया, यही दूंगा बस, इसी को खाओ और इसी में जीवित रहो। एक मुट्ठी चावल इतना कम था कि सबके पास एक एक दाना आता था। देखते देखते हर दिन एक एक करके लोग मरने लग गए, क्योंकि एक दाने या चार दाने से किसी का भोजन तो हो नहीं सकता। जब एक एक करके सब मर रहे थे उसमें गांधार नरेश भी थे, और गांधार नरेश का पुत्र भी था जो था शकुनी, जो कि प्रिंस ऑफ गांधार था। जब ये लोग एक एक करके मर रहे थे तो इन सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि मरना तो तय है और इस तरीके से तो सारे मर जाएंगे, तो एक काम करते हैं, हमारे युवराज, हमारे जो प्रिंस है शकुनी, ये पूरा एक मुट्ठी चावल हर दिन उनको खाने देते हैं। सब लोग मान गए, शकुनी उस जेल के अंदर बैठ के रोज एक चावल खाता था और रोज अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को मरता हुआ देखता था। धीरे धीरे मरते गए, मरते गए। भीष्म पितामह इस बीच में एक युद्ध लड़ने चले गए और ये लोग अंदर पड़े रह गए। हर दिन ये एक मुट्ठी चावल खाता था शकुनी, और देखता था कि उसके और कुछ प्रियजन, उसके और कुछ रिश्तेदार मर गए। आखिरी में दो लोग बचे, एक शकुनी और एक गांधार नरेश। गांधार नरेश बुजुर्ग भी थे और बहुत कमजोर भी हुए थे, तो वृद्धावस्था में एक कमजोर बूढ़ा राजा अपने बेटे को, गांधार के युवराज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ, इधर आओ मेरे पास। शकुनी उठे, अपने पिता के पास गए, पिता बैठे हुए थे। जब शकुनी आके अपने पिता के सामने खड़े हुए तब गांधार नरेश ने पूरी बची खुची ताकत को लगा के शकुनी के घुटने पे लात मार दी और शकुनी का घुटना टूट गया। तो आप इसीलिए शकुनी को जिस तरीके से जानते हैं कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, वो इस वजह से चलता है क्योंकि उसके खुद के पिता ने उसका एक घुटना अपनी लात से तोड़ दिया था। शकुनी बिल्कुल दर्द में कराहते हुए बोले कि ये क्या किया आपने, मैं तो आपका बेटा हूँ। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इतने अय्याश हो कि तुम जब यहाँ से निकलोगे जीवित तो तुम थोड़े दिनों में भूल जाओगे कि इसके अंदर यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया ताकि हर कदम पे तुमको ये याद रहे कि यहाँ जो
हुआ है उसका बदला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि वो एक मुट्ठी चावल हम सब मिलकर तुमको इसीलिए खिला रहे हैं कि जब तुम यहाँ से निकलो तो कुरुवंश से हस्तिनापुर से गांधार का बदला ले सको। और क्योंकि अब मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ा है, तुमको अपाहिज बना दिया है, मैं तुमको सच में एक शक्ति देता हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी हड्डियों का पासा बनवाना, और जब तुम वो पासा चलोगे तो तुम जो नंबर चाहोगे उस पासे में, जो अंक चाहोगे वो दोनों पासे मिला के उतने ही अंक वो उस पे रखेंगे। शकुनी ने ऐसे ही किया, इसीलिए शकुनी जीवन भर लंगड़ा रहा था, और उसके पास थे दो पासे, जिसके कारण जो पूरी बिसात बिछी, वो जो जुआ खेला गया जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी भी हार गए, उसमें उन्हीं पासों का उपयोग किया गया था। और ये सब कुछ शकुनी क्यों कर रहा था, दुर्योधन का कान भरने से लेकर और महाभारत जैसा युद्ध कराने तक, क्योंकि शकुनी दुर्योधन से लेकर और पूरे कुरुवंश से इतनी नफरत करता था, इतनी घृणा करता था, कि उसने ये प्रण लिया था कि मैं पूरा कुरुवंश ही बर्बाद कर दूं। इन सब के अलावा शकुनी को इस बात का दुख भी था और गुस्सा भी था कि उसकी बहन गांधारी की शादी एक ऐसे राजा से कर दी गई बिना उसकी स्वेच्छा के, बिना उसकी इच्छा के, जो अंधा था। तो जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, और भीष्म पितामह के प्रेशर में वो शादी कर दी गई थी। शकुनी अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि उनको इस बात का भी दुख था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ये सब किया, और उसकी वजह से महाभारत हुआ। ये शकुनी की कहानी है। तो ये जो कहावत है ना कि विनर्स राइट हिस्ट्री, तो अगर कौरवों का साइड जीत गया होता तो आज हम कृष्ण की जगह शायद शकुनी की गाथा पढ़ते होते। महाभारत के युद्ध के अंत में शकुनी आखिरी दिन तक जीवित था। वो इतना चतुर था कि हर बार मुकाबला करने वालों को चकमा देकर निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को उनके शरशैया पर गिरकर अपनी आखिरी सांस लेते देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्याय से मृत्यु, दुशासन के हाथ पैर उखाड़ कर उसे क्रूरता से मारा जाना और कौरवों का विनाश, सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हुआ। लेकिन शकुनी मन ही मन में संतुष्ट था। उसने अपने पिता को दिया वचन पूरा कर लिया था, उसने कुरुवंश बदला ले लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के मैदान में ललकारा। सहदेव पांचों पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। वो शकुनी के मन की बात जानते थे। वो ये भी जानते थे कि शकुनी ने ही कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़का कर युद्ध करवाया था, और इसीलिए सहदेव ने शकुनी को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि अब वो जंग छोड़ दे, क्योंकि शकुनी ने जो चाहा वो हासिल कर लिया था, अब उसे गांधार लौटकर वहां राज करना चाहिए। उसी पल शकुनी के मन में पछतावा हुआ। वो सहदेव से खुलकर बात करने लगा, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कहानी एक छोटे बच्चे को बताता है। अपने बचपन की दुखद यादें, धृतराष्ट्र के हाथों उसके परिवार को यातना देना, उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजा से होना, भीम को जहर देना, लाक्षाग्रह का षड्यंत्र रचना, और न जाने कितने अपराध जो शकुनी ने इस जन्म में किए थे, उसने वो सब सहदेव को बताया। उसने कहा वो अब और नहीं जी सकता, और अब उसमें इस बोझ को उठाए रखने का साहस नहीं रहा। और फिर शकुनी ने सहदेव पर बाण चलाने शुरू कर दिए। शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है, और आखिरकार सहदेव ने शकुनी का सर काटकर उसका अंत कर दिया। शकुनी ने अपना कर्तव्य, अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इतने पापों के बाद भी मरने के बाद शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। अगर आप महाभारत की ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियोस देखिए। तो ये थी महाभारत की एक अनकही अनसुनी कथा जो कम लोगों को पता है। अगर महाभारत की ऐसी और अनकही, अनदेखी, अनसुनी कहानियां जाननी तो स्टे ट्यून्ड।